तो आ गए आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वैसने सर्वाइवल की इस नई गेम प्ले वीडियो में। और गाइस आज के इस गेम प्ले हम है ना सबसे ज़्यादा हार्ड डे प्ले करने वाले हैं, और वो हार्ड कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये सब वीडियो को आपको वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए गाइस ये इस लेडी को मैं बचाने के लिए आए थे, अपने फ्रेंड के साथ कैंपिंग करने आए थे, लेकिन इन बदतमीजों ने करने नहीं दी, तो इनको तो सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तो इनको सबक सिखाने के बाद फटाफट से हम और कहीं चलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इसके जो भी था इसकी प्रॉब्लम को मैंने कर दिया सॉल्व, क्योंकि गाइस हम शेरिफ हैं, शेरिफ होने के नाते हमें इतना तो करना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो गाइस यहाँ पर मेरे को काफ़ी सारे एनिमल वगैरह दिखते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर मैं कलेक्ट करने के लिए आता हूँ फिश, जो कि मेरे को नहीं मिल रहे होते। वो मेरे को पता नहीं कैसे है, काफ़ी टाइम से फिश नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे फिश नहीं मिल रही। तो मैं फटाफट से यहाँ पे चेकआउट कर रहा था, यहाँ पे मैं देख रहा था कुछ बढ़िया मिले तो यहाँ पे मेरे को हीलिंग वगैरह हर्ब्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इनको कलेक्ट करने के साथ ही मैं आगे भी बढ़ता रहता हूँ और देखता रहता हूँ और एक्सप्लोर करता रहता हूँ, क्या पता कुछ नया हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ यहाँ मेरे साथ काफ़ी सारे ये वाइल्ड एनिमल मेरे साथ प्ले कर रहे होते हैं, और यहाँ पे मेरे को ये मोहतरमा दिखती है जो कि डर के मारे इस वैगम के अंदर चढ़ रखी है, और हमें इसे बचाना होगा। लेकिन मैं इसको बचाता नहीं, इसकी जो लूट है उसको लेके फटाफट से यहाँ से भागते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है और ये तो हमेशा डरती रहती है, तो क्या ही करें इसके लिए। तो जैसे यहाँ पर आता हूँ, आने के बाद ये देखो कितने सारे एनिमल है यहाँ पे, मतलब एक तरीके से है ना मैप पूरा भर जाता है। और ये जो येलो वाले इनका तो क्या ही कहे, और वुल्फ ने पिछली बार मदद करी थी तो थैंक यू सो मच वुल्फ। तो यहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पे मेरे कुछ बंदे मिलते हैं जो कि इस बंदे को डरा धमका रहते हैं, तो मैं इसे बचा रहा होता हूँ। उतने में ही यहाँ से पीछे से एक और बंदा आ जाता है स्पेयर लेके, तो इसको भी सबक सिखा देते हैं, और ये बदले में थैंक यू कहता है। मैंने कहा वेलकम, थैंक यू, ओ वेलकम बैक। और कभी भी ऐसे अकेले मत आया कर अपने दोस्त वगैरह को लेके आया कर, वरना ये लोग तेरे को लूट लेंगे। आज की दुनिया काफ़ी ज़्यादा बेकार हो रही है, तो अपने आप को बचाओ और सेव करो। तो जैसे यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद गाइस यहाँ पे मैं आ चुका था रोड ओल्ड रोड पे, और गाइस आपको पता होगा कि ये इतना हार्ड नहीं होता जितना अभी आप देख के पता करोगे। तो फिलहाल के लिए मेरे पास सारी गन नहीं थी जो कि मेरे को चाहिए थी, लेकिन गाइस फिर भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए इसको। तो जैसे मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ, इसको थोड़ा सा डैमेज तो पहले ही पड़ जाता, मतलब अब उन्होंने अपडेट के साथ कुछ ऐसा किया ना जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब सीधा बैगम के ऊपर अटैक करते हैं, और बैगम की इतनी ज़्यादा हेल्थ होती भी नहीं, वो घचर घचर करके पूरा का पूरा हेल्थ खा जाते हैं। ये देख रहे हो, ये बंदा सिर्फ आया और सीधा है ना वैगम को मारने लगे, और ये देखो यहाँ पे अगर ये नहीं अटकता ना तो ये पूरा का पूरा डैमेज कर देता। तो यहाँ पे जो ये बंदा था, मतलब क्या कहते हैं इसको, हाँ डिस्ट्रॉयर है ना, मेरे पूरे को पूरे इसको डिस्ट्रॉय करने ही वाला था उससे पहले यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। और ये डैमेज देखो कितना दे रहा है, 1 वज्जी में ये दे रहा है 165 का डैमेज, इतना भी कोई डैमेज होता है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, और यहाँ पे मेरे पास गन होती है, अगर मैं दोनों गन को एक साथ यूज कर रहा होता ना, मतलब मैं वो बैग लाना भूल जाता हूँ, इस वजह से वो गड़बड़ हो जाती है, वरना गाइस कर लेते हैं हम इसको। लेकिन गाइस डे काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, अभी आप देखोगे तो समझ जाओगे, अभी तो कुछ नहीं है, अभी चल रहा है, इनको मैं संभाल लिया आराम से। लेकिन गाइस एक साथ इतने सारे बंदे आ जाते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि क्या ही करूँ। और यहाँ पे जो ये एनिमल होते हैं पता नहीं क्यों अटैक नहीं कर रहा होता, लेकिन ये दो डॉग आ जाते हैं, ये मेरे ऊपर काफ़ी तेज़ी से अटैक कर रहे होते हैं। तो ये देखो इन डॉगों को मैंने यहाँ से भगा दिया मार के, और ये आगे मैं बढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि सबसे पहले उसको मार के हूँ जो कि वहाँ पे खड़ा है। तो मैं इसको किल करने के लिए आगे जाता हूँ, लेकिन मेरे को क्या पता था कि कुछ ऐसा होगा, मतलब ये देखो पीछे से ये लोग आए और है ना सीधा वैगम को मारने लगे, और ये देखो इन्होंने शायद वैगम तोड़ ही दिया, उसकी हेल्थ भी नहीं दिखा रहे। और फाइनली ये डे का सबसे ज़्यादा हार्ड था, और ये 5 मिनट के लिए आया था, तो ज़्यादा मैं सर्वाइव कर भी नहीं पाया। तो गाइस हमारा इस वीडियो को, अगर वीडियो को आप देख रहे हो, अगर आपको वीडियो जरूर सी भी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइस हैलोवीन आने वाला है, तो आप कमेंट करना कि हैलोवीन पे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं ढेड़ों में हार नहीं मानूंगा, इसको दोबारा से प्ले करूंगा। तो गाइस आने के साथ पूरा का पूरा गुस्सा मैं इनके ऊपर उतार देता हूं, और यहां पे ना अगर ग्रीन वाला बैग होता ना तो पक्का मैं सर्वाइव कर जाता, लेकिन फिलहाल के लिए वो ग्रीन बैग नहीं था तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन इस बार तो गाइस पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्या हम कर पाएंगे गाइस कमेंट करके फटाफट से बताओ क्या हम कर पाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास हेल्थ भी काफ़ी सारी होती है, हेल्थ से मैं बच तो जाता हूँ, लेकिन जो मैं करने आता हूँ ना वो नहीं कर पाता। तो अगर यही चीज़ मैं पहले इस गन को निकाल लेता ना, मैं सोच रहा था अगर ये ब्रेक हो गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात होगी, तो इस वजह से मैं नहीं कर रहा होता हूँ। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना हैलोवीन आने वाला है, इस हैलोवीन पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अपने आइडिया उसको मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं वो चीज़ें कर पाऊँ जो कि आपको अच्छा लगता हो। और गाइस सारे गेम प्ले करके देखेंगे सारे के सारे जितने भी आप लोग, तो आप कमेंट करके बताना कौन सा गेम खेलना चाहिए, तो वो सारे के सारे गेम एक एक बार प्ले करके देखेंगे, क्या पता क्या कुछ हो जाए, कुछ और ज़्यादा मजा आ जाए। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे ये जो शूटर होता है इसको मैं फटाफट से किल करता हूँ, और यहाँ पे ये बैरियल दे देना तो मैं निकल नहीं पाता यहाँ से,
और यहाँ पे शूटर अटैक करते जाते हैं। तो इस बार मेरे को लगता है अब तो हलवा है, अब तो मैं आधे रास्ते क्रॉस कर गया, लेकिन ये पीछे से आते हैं और ये वैगम को डैमेज दे जाते हैं और इनको है ना उतनी तेज़ी से मैं किल कर भी नहीं पाता। और यहाँ पे मैं सिर्फ है ना डिस्ट्रॉयर के लिए यहाँ पे गन को बचा के रख रहा था कि डिस्ट्रॉयर आया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है, 160 कुछ करके डैमेज देता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। और ये पहला बंदा था जिसने वैगम को मारते हुए अब मेरे को मारने लग गया, मतलब मैं बच गया। तो गाइस यहाँ पे देखो और कितनी ज़्यादा भीड़ आई, तो फटाफट से मैं अपने गन को निकालता हूँ। गन को निकालने के बाद सबसे पहले इस डिस्ट्रॉयर को किल करना होगा, मैंने उन सबको अट्रैक्ट कर लिया। तो अब बस इस शूटर को किल करना है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैं आगे बढ़ा गया इस यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक और जो ये बंदा था स्पॉन हुआ था, लेकिन मैंने इसे छोड़ता हूँ क्योंकि इन्होंने तो अटैक किया ही नहीं। लेकिन तभी पीछे से ये तीन तीन बंदे आते हैं और एक साथ कर देते हैं गाइस, काफ़ी खतरनाक काम कर देते हैं। और यहाँ पे देखो ये वैगम को इन्होंने तोड़ दिया, मतलब यानी अचानक से स्पॉन होने वाला सिस्टम बेकार कर दिया इन्होंने। मतलब पता रहता कि यहाँ पे अगर बंदे हैं तो हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन गाइस अभी सारे लूट मैं नहीं ले पाऊंगा, ये लॉक्ड हो चुके हैं और 5 मिनट के लिए आया था तो इतना कुछ खास कर भी नहीं सकता। तो मेरे को फिलहाल के लिए इसको छोड़ना पड़ा। और यहाँ पे आने के बाद मैं गुस्से में काफ़ी सारे हेल्थ बना रहा था, मतलब मैंने इकट्ठे किए थे, 20 होने वाले थे, 100 लूट को मैं पूरा भरने वाला था, लेकिन उतने में ही ये चीज़ हो जाती है तो हम नहीं कर पाते। लेकिन फ़िलहाल के मैंने एक स्लॉट भर दिया ऑप्टिमाइज हेल्थ का। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आगे आता हूँ। आने के बाद यहाँ पे ये देखो गाइस, मैं यहाँ पे बॉडी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से है ना, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था और मैं अपने एनिमल को साथ नहीं लेके जा पा रहा था। तो यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि क्या सीन चल रहा है, इनकी हेल्थ क्यों नहीं बढ़ रही, इनको हीलिंग खिलानी पड़ेगी। लेकिन गाइस मैं देखता हूँ जो इनका फूड है ना, उन पर ये कुछ आइकन आता रहा, तो पता चलता है कि जो इनका फूड है वो ख़त्म हो रखा है। तो अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप फटाफट से जाओ, ग्रो करो और यहाँ पे आओ। आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे फूड आप इनको दे सकते हो। तो फूड यहाँ पे मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा दे दिया, मतलब 27% यहाँ पे मैंने भर दिया। तो यहाँ पे 100 करने के लिए तो आपको काफ़ी सारे चाहिए होंगे फूड। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों का डाटा और डिनाई का, दोनों का जो हेल्थ है काफ़ी ज़्यादा कम है, तो अभी कुछ हम कर नहीं सकते। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद ये टास्क वगैरह मैं देख रहा था कि टास्क में क्या आया, तो कुछ बढ़िया नहीं आता, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ फार्मिंग करने के लिए। तो फार्मिंग के लिए मेरे को काफ़ी सारे ओट्स चाहिए थे, जिससे मैं बना सकूँ ओट्स से फिर अल्कोहल बनते, सिर्फ ओट्स से नहीं बनते, उसमें और भी मटेरियल लगते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो हमें ओट्स ही चाहिए थे। तो यहाँ पर मैं ओट्स कलेक्ट कर रहा था, फिर फार्मिंग में जाके गाइस इसको हम ग्रो करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे एनिमल दिखते हैं, तो मैं सोचता हूँ इनको किल करने के बाद मैं इनसे है ना इनके जो फूड होते हैं वो कलेक्ट कर लूँ और जो हमारा पेट था उनको खिला सकूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही सीन मिल जाता है, मतलब पहले तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमें ओट्स मिलते थे, लेकिन अब उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे, पता नहीं क्या ही सीन हो गया था। तो यहाँ पे मैं किसी बंदे को ढूंढ ही रहा होता हूँ, उतने में मेरे को ये बियर दिखती है जो कि मेरे से डर के भाग जाती है। और ये देखो ये रैबिट, ये काफ़ी तेज़ी से मेरे से भी डर के भाग रहा है, और जो साउंड आ रहा था वो तो अलग ही आ रहा था, मतलब साउंड को बंद कर देता हूँ, साउंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। लेकिन यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे ओट्स मिल जाते हैं, ओट्स और फाइबर, फाइबर का यूज़ मैं अभी नहीं कर रहा होता हूँ। और ये देखो यहाँ पे ये जो बंदा है ना, इसको बार बार ट्रैप में फंसा लेते हैं, इसको मैंने कितनी बार बचाया होगा, इसको हर बार बचाता हूँ और ये हर बार पता नहीं ट्रैप में कैसे फंस जाता है। तो इसको अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो डॉग आया था मेरे पास, लेकिन मैं भूल गया कि वो डॉग को मैंने कहाँ पे छोड़ा था। और यहाँ पे जो एनिमल थे इनको मैं किल करना स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे को याद आता है कि मीट इकट्ठा कर लेते हैं, और इसको मैं मार रहा होता हूँ, उतने में ये मेरा फ्रेंड बन जाता है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ी बहुत तो हेल्प होगी हमारी। तो यहाँ पे हेल्प करने के बाद ये देखो ये पूरी की पूरी गैंग ही खड़ी थी, और इनके गैंग में से मैंने एक को लुढ़का दिया, तब इनको पता नहीं चला। जैसे मैंने दूसरे के ऊपर किल किया तब इनको पता चला, अरे किसी ने हमारे एक टीममेट को लुढ़का दिया। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, आने के बाद ये देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे हीलिंग हर्ब्स भी पड़े हुए थे, और ये जो लेवल 1 की हीलिंग है ना, ये इनका यूज मैं ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि जो वाटर है ना वो मेरे पास इतने होते नहीं कि यहाँ पे यूज कर पाऊँ, और अल्कोहल सिर्फ मैं देता हूँ जो मस्त हेल्थ होती है। तो यहाँ पे आप छोटी मोटी जगह पे आओगे तो उन हेल्थों का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ये दोबारा से लेडी यहीं पे फंस रखी है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे बचाएंगे नहीं हम, यहाँ पे सबसे पहले इसकी लूट चुराएंगे। तो यहाँ पे इसकी लूट चुराने के बाद मैं आगे जा ही रहा होता हूँ, उतने में जो ये पिग है इसके ऊपर मेरे ऊपर कोई अटैक कर रहा होता, तो ये पिग है ना इसको सोल्व कर बचाने की मेरे को कोशिश कर रहा होता है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसी चीज़ें भी हम कर सकते हैं कभी कभी। और ये मेरे पीछे पीछे काफ़ी देर से आ रहा है, और ये देखो इसने अटैक किया और ये मेरे को बचा रहा है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे पिग को मारता है छोटे वुल्फ के बच्चे, तो यहाँ पे मैं इसे बचा तो लेता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पे देखना, इनके गैंग में से एक को मैंने निपटा दिया, अब इसको दूसरे को भी निपटा दिया, और ये तीसरा भी निपट जाएगा, लेकिन उसको पता ही चिक नहीं चला कि क्या हुआ मेरे साथ। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं आ चुका था सेल्वेस्टर पे। सेल्वेस्टर पे आने के बाद है ना मेरे को गोल्ड लेना था यहाँ से, क्योंकि गोल्ड से अब हम
बोट्स को पार्ट्स को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए मैं पता नहीं शेरिफ के पास क्यों आता हूँ, और ये मेरे को शेरिफ फिर मेरे को याद आता है शेरिफ तो ये पार्ट्स देता ही नहीं। तो यहाँ पे फटाफट से यहाँ से जाके गाइस मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। उस बंदे का नाम क्या था, उसका नाम था, एक सेकेंड हम वहाँ पर जाते हैं उससे बात करके देखते हैं। और इसका नाम गोल्डन कारमैक, हाँ गाइस जो हमें गोल्ड देता है तो इसका नाम गोल्डन कारमैक ही है। और यहाँ पे से मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ, दो हमारे पास और आ जाते हैं और हमारे पास मेरे ख्याल से 13 पार्ट्स हो जाएंगे बोर्ड्स के। और यहाँ देखो ये शराबी ये गाना गा रहा है, ए शराबी शराबी तू शराबी। मैंने कहा कि चल निकल यहाँ से, कोई शराबी वराबी नहीं है यहाँ पे, सारे के सारे बच्चे हैं, शराबी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे से फटाफट से मैं जा ही रहा होता हूँ, उतने मेरे को याद आता है अरे स्पॉट आउट शूट आउट एरिया आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इन सबको किल करके यहाँ पे जो इनकी डेड बॉडी है उनसे मैं कलेक्ट कर रहता हूँ, क्या पता कुछ बढ़िया मिल जाए। लेकिन कुछ बढ़िया मिलता है नहीं, इसके पास से तो नहीं मिलता। तो यहाँ पे हॉर्स वाले को मैं रिसर्च कर रहा था और यहाँ पे से इसके अंदर से कुछ बढ़िया मिले तो गाइस क्या हो सकता है। तो इसके अंदर से मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई, गन मिल गया और ओट्स मिल गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस टाइम के लिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे मेरे को एक और डेड बॉडी मिलती है जिसके अंदर से मेरे को हीलिंग हर्ब्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आगे और बढ़ता हूँ और वहाँ पे मेरे को एक और डेड बॉडी दिख जाती है, मतलब है ना भी इन्होंने डेड बॉडी तो ज़्यादा कर दी। लेकिन जो है ना यहाँ पे जो वो है क्या नाम है उसका, उसका नाम है हाँ डिस्ट्रॉयर, उसकी जनसंख्या ज़्यादा कर दी। क्योंकि गाइस डिस्ट्रॉयर का हेल्थ इतनी ज़्यादा करते हैं ना ये, बार बार हमें है ना वैसे करने की कोशिश, मतलब डैडी कर देती है एक तरीके से, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद ये देखो ये बदतमीजों को कैसे मारने के पीछे पड़े, मतलब ये नहीं इन्हें ऐसा नहीं लग रहा है एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे आया है अपनी लूट को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन नहीं इनको तो पूरा का पूरा मारने के ऊपर ही तुले रहेंगे। तो गाइस फिलहाल के लिए यहाँ पे आता हूँ, मुझे लगता है आराम से कर लूँगा। लेकिन इस डिस्ट्रॉयर को पता चल जाता है कि यहाँ पे इसके पीठ पीछे मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कुछ नहीं कर रहे अंकल जी, सॉरी मैं दोबारा नहीं आऊँगा। लेकिन ये तो मेरे पीछे हाँ नहा धो के पीछे पड़ रखा, अच्छा और फिलहाल के लिए ठंड आ चुकी थी तो नहाने की क्या जरूरत है यार, बिना नहाए पीछे पड़। तो कहता है मैं तो नहा के पीछे पड़ूंगा और ऐसे पानी में डुबो डुबो के मारूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तो फिलहाल के लिए तू मरने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे को मारने वाला होता है इसको मैं किल कर देता हूँ। और गाइस ये देखो ये पता नहीं कैसे ही बो चला रहा है, मतलब मैं जब बो चलाता था ना तो अगर बंदा कोई एरिया से बाहर चल जाता था तो ये बो जाके उसे लगती नहीं थी। और यहाँ देखो ये कितनी देर से मेरे को मारे जा रहा और ये मैं तेरी कमी थी, आजा तू भी आ जा। तो गाइस यहाँ पे इन सबको किल करने के बाद यहाँ से मेरे को कुछ हीलिंग हर्ब्स और मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये बैंडेड देखो ये क्या ही करने की कोशिश कर रहा है, पापा को मारेगा। और ये और गाइस इन्होंने दोस्तों को बुला लिया, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। अगर आपको ऐसी गेम प्ले देखने हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नारा।